डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज्जिज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। सिम्पसन्स कार्टून सीरीज की पेशगोइयां। नाज़रीन-ए-ग्रामी, इस दजाली कार्टून सीरीज पर हम पिछली वीडियो में तफसीली बात कर चुके हैं और उम्मीद है कि अब आप ये जान चुके होंगे कि ये क्या है, और जो नहीं जानते वो भी ये जान लें कि ये कोई पेशगोइयां नहीं है। यह सिम्पसन जो कि ये पेशगोइयां कर रहा है, ना ही वो कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग या वली है, बल्कि ये एक फ्यूचर प्लान करेक्टर है जो कि एक दजाली तंजीम इल्यूमिनाटी की तरफ से तख्लीक किया गया है, जो लोगों के मुस्तकबिल के फसाद या दुनियावी तब्दीलियों के बारे में लोगों को आगाह करता है। और अनजान लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई वही का नजूल था जो सिम्पसन पर उतरा, जबकि ये सब प्री प्लान यानी एक मंसूबे के साथ पहले ही तयशुदा है। खैर दोस्तों, इस कार्टून सीरीज का बानी मैक ग्रोनिंग है। ये एक बहुत बड़े दर्जे का फ्री मैसन है और किसी भी इलाके में कोई भी कार्रवाई करने से पहले उनका काम मीडिया वार को जारी कर देना होता है, जो कि फिफ्थ जनरेशन वारफेयर भी कहलाता है। और इसके बाद ये अपने मंसूबों के मुताबिक अपने मजमूम मकासिद को अमली शक्ल दे देते हैं। इस दजाली कार्टून सीरीज में बेशुमार पेशगोइयां की गई जो अब तक सच साबित हो रही है। नाज़रीन-ए-ग्रामी, ऐसी ही इनकी एक पेशगोई शाम के अंदर होने वाले फसादात और खाना जंगी को जाहिर करती है। शाम में हालात 2012 को खराब हुए, लेकिन शाम की यह सूरतेहाल सन 2000 में ही सिम्पसन कार्टून में दिखा दी गई थी कि कैसे वहां पर पहले बच्चों का कत्ले आम होगा, इसके बाद लोग इंसाफ के हसूल के लिए सड़कों पर एहतजाज करेंगे, और फिर ये एहतजाज एक फसाद की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और वही हुआ। 2012 में शाम में बच्चों का कत्ले आम हुआ और एहतजाज के नतीजे में उन लोगों ने अपने एजेंट उनमें शामिल करके शाम को खंडर बना दिया, और जहां आज तक अमन कायम नहीं हो सका। और होगा भी कैसे, जबकि अब यही सरजमीन ग्रेटर इसराइल की बका के लिए तैयार की जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2014 में ब्राजील में होने वाले फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी अपनी एक काफी साल पुरानी सिम्पसन सीरीज की किस्त में उन्होंने दिखा दिया था कि ये वर्ल्ड कप जर्मनी जीतेगा और मुखालिफ टीम का कोई गोल नहीं होगा। और फिर वही हुआ। जर्मनी तो जीत गया, लेकिन अर्जेंटीना का कोई भी गोल ना हुआ। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि इस सीरीज में वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले म्यांमार नामी खिलाड़ी का जख्मी होना भी दिखाया गया था। और फिर वही हुआ कि इस खिलाड़ी को 3 माह पहले घुटने की चोट लग गई। हिलरी क्लिंटन और इलेक्शन। खवातीनों हजरात, आज से 15 साल पहले की एक किस्त में उन्होंने ये मंसूबा भी इस सीरीज में दिखाया था कि हिलरी क्लिंटन इलेक्शन लड़ेगी, और किसी के वहमो गुमान में भी न था कि ऐसा होगा। और वही हुआ। बाद अजां हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, लेकिन जीत ट्रंप का मुकद्दर बनी। इस सीरीज में ट्रंप अवाम से खिताब करने के लिए हाल में उतरता है, जबकि इसी दौरान उसके फैंस प्ले कार्ड उठा के खड़े हैं। जब ट्रंप सीढ़ियां उतर रहा होता है तो उनके फैंस में मौजूद एक शख्स का प्ले कार्ड गिर जाता है, जबकि ट्रंप हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ठीक 16 साल बाद ट्रंप अमरीका का सदर बना, और वही वाकया हकीकत का रूप धार गया। जब ट्रंप खिताब करने जा रहा था तब वही प्ले कार्ड गिरा और ट्रंप हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। 9/11 का हादसा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। नाज़रीन-ए-ग्रामी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा जो कि मुसलमानों पर हमला करने का एक जवाब था, इसकी पूरी तफसील उन लोगों ने अपनी ही सीरीज में दी थी कि क्या होगा। जरा स्क्रीन पर चलती इस तस्वीर पर गौर करें, जिसमें 1999 को होवर की बेटी अपनी माँ को एक तस्वीर दिखाती है जिसमें 9/11 साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस तस्वीर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 11 के हिंसे की शक्ल में दिखाया गया है, यानी ये सब एक ड्रामा था जिसे जवाब बनाकर अफगानिस्तान पर चढ़ाई शुरू की गई। भारत का पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला। दोस्तों, इसी तरह सिम्पसन सीरीज में सिम्पसन नामी कार्टून अखबार पढ़ते हुए एक खबर पढ़ता है जिसमें ये बताया जाता है कि अनकरीब भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, जिसके बाद वहां पर तमाम लोग चुप हो जाते हैं और दंग रह जाते हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में अगर इसराइल और यहूदियों को कोई खतरा है तो वो पाकिस्तान से है। और उन्हीं लोगों की एक तहकीक के मुताबिक अगर पाकिस्तानियों को जिंदगी की तमाम सहूलतें फराहम कर दी जाएं तो यही कौम जहानत में पहले नंबर पर होगी। लेकिन होने वाले पे दर पे हादसाते जिंदगी, सियासी रसाकशियों, दहशत गर्दियों और हंगामों की वजह से अब इसी कौम की जहानत 120वें नंबर पर आ चुकी है। पाकिस्तान में लिबरलिज्म को फरोग देकर वो पाकिस्तान की साख्त को खोखला करना चाहते हैं। उनका मकसद पाकिस्तान को गारों के दौर में भेजना है, जहां इंसान बंदगाने खुदा से बेपरवाह और मुसीबतों से बेनियाज होकर दस्तों गरेबान था।
इसराइल की मिडल ईस्ट में अजारादारी। खवातीनो हजरात, इसी तरह की एक सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि इसराइल ना सिर्फ मिडल ईस्ट, दुबई और तमाम अरब ममालिक पर अपनी अजारादारी कायम कर लेता है, बल्कि इन सबको अपने कब्जे में भी ले लेता है। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक पेशगोई इसलिए भी है क्योंकि इसमें यह भी दिखाया गया है कि उस दौर में इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करवा के जंग में मसरूफ कर दिया जाएगा और इधर इसराइल खुद को वसी करने के लिए जो चाहे मर्जी करता फिरेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास गजवा हिंद की अहादीस मौजूद है जिनके मुताबिक ये खुशखबरी है कि मुसलमान इंडियन हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और फिर यही फौजें शाम में जाएंगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पाएंगी और उनकी जंग दजाल से होगी जो यहूदियों और सहूनियों का झूठा मसीहा है। और ये बात तो तय है कि ये फौज या लश्कर पाकिस्तान का ही होगा जो पहले इंडिया और बाद में दजाल से लड़ेगा। और ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी फौज ना सिर्फ इंडिया से तीन जंगें लड़ चुकी है बल्कि 1967 में इसराइल से भी जंग कर चुकी है। और ये बात यहाँ काबिले जिक्र है कि पूरी दुनिया में किसी मुल्क की फौज ऐसी नहीं है जिसने बैक वक्त इंडिया और इसराइल से लड़ाई लड़ी हो। ये जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी अपने एजेंट हमारे देसी लिबरलों और मोमबत्ती माफिया की सूरत में टीवी पर बिठाकर इस हदीस का मजाक बनवा लें, लेकिन ये सच है कि ये मुल्क टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। खैर दोस्तों, इसी तरह की एक और किस्त जो कि हालात की खतरनाकी को साबित करती है वो ये है कि सैमसन नामी करेक्टर एक ऐसा नक्शा जारी करता है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के टुकड़े दिखाए जाते हैं और 2015 में कराची को पाकिस्तान से अलहदा करने का CIA का पूरा प्लान था। इसके बाद बलोचिस्तान, पख्तूनिस्तान और जनूबी वजरिस्तान को अलग मुल्क बनाकर उनके तमाम खुर्दनी वसायल, तेल, गैस और सोने पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने का प्लान था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इस मुल्क की एजेंसी ISI और फौज ने उनका सारा मंसूबा बर्बाद कर दिया। खैर ये जो मर्जी चाहे कर लें, जितने मर्जी मंसूबे बना लें और कार्टूनों के जरिए दिखा लें, लेकिन तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर है। और इंशाल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के तहत मुसलमान ही उन पर गालिब आएंगे और पाकिस्तान आगे बढ़कर न सिर्फ इसकी जिम्मेदारियां संभालेगा बल्कि इस्लाम के निफाज में भी बुनियादी किरदार अदा करेगा। अल्लाह हम सबको हक वालों के लश्कर के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए और इन दजाल के कारिंदों को तबाह बर्बाद कर दे। स्मार्ट वॉच। दोस्तों स्मार्ट वॉच का तो सबको ही पता होगा कि एक ऐसा टेलीफोन जिसको घड़ी की शक्ल देकर ना सिर्फ आपकी कलाई पर बांध दिया जाता है बल्कि आपकी वो पूरी कलाई इस घड़ी की नापसंदीदा शुआओं के जेरे असर हो जाती है और ये शुआएं किसी और ही कंप्यूटर पर जारी होकर आपकी मौजूदगी का पता दे रही होती हैं। और इस स्मार्ट वॉच को 90 के अशरे में ही इस कार्टून सीरीज में दिखा दिया गया था जबकि इसके बारे में कोई गुमान भी नहीं कर सकता था। फार्म गेम। ख्वातीनो हजरात, ये एक ऐसी गेम है जो एक फार्म हाउस की शक्ल में है और तरह तरह के जानवर या मवेशियों की वजह से इस गेम को बड़े ही शौक से खेला जाता है। और हैरत की बात तो यह है कि इसको भी 90 के अशरे में इस कार्टून सीरीज में दिखाया गया जिसको बाद अजां 2013 में फेसबुक पर उन्होंने लॉन्च कर दिया। नाज़रीन ग्राम, पिछले साल डिज्नी ने 21st Century फोकस मशहूर मीडिया नामी कंपनी को $52 अरब में खरीद लिया था और इसकी प्रिडिक्शन 1998 की सैमसन सीरीज में कर दी गई थी जब एक सीन में 21st Century फोकस को डिज्नी का एक हिस्सा दिखाया गया। ये एक इंतहाई हैरान कुन बात है क्योंकि उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि डिज्नी एक दिन इतनी बड़ी कंपनी को खरीद लेगी। दोस्तों इसके अलावा हुक्स बॉक्सन पर एक पार्टिकल है जो 2012 में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया था। ये पेचीदा फार्मूला जो आप देख रहे हैं उसी पार्टिकल के मास का है जिस फार्मूले को साइंसदानों ने 2012 में दरियाफ्त किया था। लेकिन ऐसा ही फार्मूला 14 साल पहले सैमसन फैमिली ने अपनी एक किस्त में दिखा दिया था जिसके बारे में उस वक्त कोई नहीं जानता था। लेकिन 1998 में रिलीज होने वाले एक सीन में सैमसन फैमिली का एक शख्स ब्लैक बोर्ड पर ऐसे ही एक फार्मूला लिख रहा होता है और हैरान कुन तौर पर ये हुक्स बॉक्सन के मास का वही फार्मूला था जिसको साइंसदानों ने 14 साल बाद दरियाफ्त किया था। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा भी इस कार्टून में ऐसी बहुत सी पेशगोइयां की गई थी जो एक प्लानिंग के तहत सच साबित हो रही हैं, जिनका जिक्र हम अपनी गुज़श्ता वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी आज की वीडियो पसंद आने पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिर्दोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।